अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की, यानी यानी फ्लूड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुएटर परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें जो होता है वो हम लोग फ्लूड यूज़ करते हैं, यानी हाइड्रोलिक यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने हाइड्रोलिक रैम मशीन देखा होगा, और आप फ्लूड का यूज़ करते हैं किस तरह से आप उस पर वर्क करने के लिए। यानी आपने अगर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम देखा होगा तो हम लोग ब्रेक ऑयल यूज़ करते हैं, फ्लूड यूज़ करते हैं, और वो फ्लूड पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो परफॉर्म होता है। तो यानी उसमें क्या होता है, वो फ्लूड प्रेशर से, फ्लूड जो होता है वो उसे प्रेशराइज होता है और वो फ्लो करता है, और जिसकी वजह से जो होता है एक्चुएटर जो होता है वो मोशन में आता है और वर्क जो होता है वो परफॉर्म हो पाता है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेस्ड एयर हैज़ सेल्डम बीन यूज एक्सेप्ट फॉर लो प्रेशर कंट्रोलर फॉर द कंटिन्यूस कंट्रोलर ऑफ द मोशन ऑफ डिवाइसेस। किसकी बात करें आप, देखिए जो भी हो हम लोग यूज़ करें, चाहे न्यूमेटिक यूज़ करें चाहे हाइड्रोलिक यूज़ करेंगे, तो मोशन की तो बात होगी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग जैसे ब्रेक है तो वो मोशन करेगा, यानी उसका जो शूज़ होंगे वो मूव करेंगे और कंप्रेस कर देंगे, तो ही हमारा व्हीकल जो होगा स्टॉप हो पाता है। तो दैट इज़ वही कह रही बात की जा रही है कि कंटिन्यूस एयर हैज़ अ सेल्डम हैज़ यूज एक्सेप्ट फॉर लो प्रेशर कंट्रोलर फॉर द कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ डिवाइस हैविंग सिग्निफिकेंट मास अंडर एक्सटर्नल लोड फोर्सेस। तो इस केस में, फॉर सच अ केस, हाइड्रोलिक कंट्रोलर जो होते हैं वो आज जनरली प्रेफर होते हैं। यानी कंप्रेस्ड एयर में कुछ ड्रॉबैक है, तो उसकी जगह में हाइड्रोलिक कंट्रोलर जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सर्कुलरिटी इन मशीन टूल स्पेसिफिकेशन, यानी ये देख सकते हैं यहाँ पर मशीन टूल एप्लीकेशन, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और सिमिलर ऑपरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ सच फैक्टर एज एक्यूरेसी, पॉजिटिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई पावर टू वेट रेशियो, फास्ट स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिबल विद स्मूथनेस एंड प्रिसीजन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन। यानी इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं कि वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सर्कुलरिटी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मशीन टूल एप्लीकेशंस में, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में, सिमिलर ऑपरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ सच फैक्टर, जैसे कि एक्यूरेसी मिल जा रही है इसमें, पॉजिटिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, फास्ट स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिबल विद द स्मूथनेस एंड प्रिसीजन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन। इतनी सारी चीज़ें जो हमें हाइड्रोलिक सर्कुलरिटी के थ्रू माध्यम से मिल जा रही है। तो यानी जो ऑपरेटिंग प्रेशर होगा हाइड्रोलिक सिस्टम का, वो जो होगा वो 1 से 35 मेगा पास्कल होगा। इन सम स्पेशल एप्लीकेशन में ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो हम लोग 70 मेगा पास्कल तक ले जाते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो 70 MPa तक ले जाने की कोशिश करते हैं। फॉर द सेम पावर रिक्वायरमेंट द वेट एंड द साइज ऑफ हाइड्रोलिक यूनिट कैन बी मेड स्मॉलर बाई इंक्रीजिंग द सप्लाई प्रेशर। वेरी लार्ज फोर्स कैन बी ऑप्टेन्ड विद द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स जो होता है वो हमें ऑप्टेन्ड हो जाता है विद द हाइड्रोलिक सिस्टम में। विद हाइड्रोलिक सिस्टम रैपिड एक्टिंग एक्यूरेटिंग पोजिशनिंग ऑफ हैवी लोड्स इज पॉसिबल। हाइड्रोलिक सिस्टम से हमें रैपिड एक्टिंग एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ हैवी लोड्स इज पॉसिबल हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो वाइडली यूज बिकॉज, यानी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाता है एडवांटेज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड हाइड्रोलिक पावर। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करेंगे तो हमें इसके कॉम्बिनेशन से फ़ायदा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और हाइड्रोलिक पावर कंट्रोल यूज़ कर पाएंगे। तो अब बात होती है कि हाइड्रोलिक कंट्रोलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसके लिए किस तरह से फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम जो है वो आप बनाओगे, यानी सिस्टमैटिक ऑफ एन हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि बनाने के लिए कि हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर सर्किल बनाओगे जहाँ पर आप इनपुट दोगे यहाँ पर रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल के बाद जो भी यहाँ पर एरर होगी
यहाँ पे जाएगा आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व। पहला हो गया हमारा रेफरेंस इनपुट सिग्नल, फिर एरर यहाँ पे मिलेगा, फिर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बाद हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व, फिर एक्चुएटर, फिर हमारा आउटपुट। रेफरेंस इनपुट सिग्नल, एरर, एम्पलीफायर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर वॉल्व, एक्चुएटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोलिक कंट्रोलर वॉल्व एक्चुएटर के ऊपर हमारा क्या है, हाइड्रोलिक पावर सप्लाई, क्योंकि भाई हमें हाइड्रोलिक पावर सप्लाई चाहिए तो हम यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर सप्लाई दे रहे हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व में, और यहाँ एक्चुएटर, और फिर ये जो होगा वो इस तरह से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा। और इस आउटपुट और इनपुट को यहाँ पर आप देख रहे हो कि कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर हमने लगाया एक ट्रांसड्यूजर, जो कि हमने बताया आपको कि सेंसर्स और ट्रांसड्यूजर्स इनका वाइड एप्लीकेशन है, और इसके वेरियस टाइप्स हैं जो कि यूनिट सेकेंड में आपके है। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर रहे हैं, रेफरेंस इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर एरर लगाया, फिर एम्पलीफायर, फिर हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व, कंट्रोल वॉल्व को देने के लिए यहाँ पर पावर सप्लाई सिस्टम यूज़ किया, फिर आपने एक्चुएटर्स यहाँ पे लगाया, और फिर हमें यहाँ पे डिज़ायर आउटपुट मिलेगा। और इन सबको मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने एक ट्रांसड्यूजर्स लगा दिया। तो दिस वन क्या है, सिस्टमैटिक ऑफ एन हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। दिस वन क्या है, सिस्टमैटिक ऑफ हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। तो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय अ लिक्विड कंट्रोल मीडियम टू प्रोवाइड एन आउटपुट सिग्नल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एन इनपुट एरर सिग्नल। हाइड्रोलिक कंट्रोलर क्या है, हाइड्रोलिक कंट्रोलर एम्प्लॉय अ लिक्विड कंट्रोल मीडियम टू प्रोवाइड एन आउटपुट सिग्नल विच इज अ फंक्शन ऑफ एन इनपुट। तो दिस वन इज द सिस्टमैटिक ऑफ हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एरर डिटेक्टर, एन एम्पलीफायर और हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व एंड एक्चुएटर, दीज आर द यूजेस हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एरर डिटेक्टर, एम्पलीफायर, हाइड्रोलिक कंट्रोल वॉल्व एंड एक्चुएटर। तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम जो होता है दो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट दैट इज़ योर कॉन्स्टेंट फ्लो अरेंजमेंट, सेकेंड इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर अरेंजमेंट। फर्स्ट दैट इज़ कॉन्स्टेंट फ्लो अरेंजमेंट, सेकेंड दैट इज़ कॉन्स्टेंट प्रेशर अरेंजमेंट। What are the advantages of hydraulic control system? इसका पहला बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि because of low leakage in hydraulic actuator है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, low leakage होते हैं in hydraulic actuators में, speed drop when load are applied is small, यानी speed drop हो जाएगी जब load जो होगा वो हमारा applied small। Hydraulic actuator जो होता है have a higher speed of response with fast start, stop and speed reversible possible हो सकता है इसमें। थर्ड जो availability of both linear और rotary actuators की give flexibility in design। फोर्थ simplicity of actuator system। फिफ्थ operation of actuators under continuous होगा, intermediate होगा, reversing होगा और stalled कंडीशन विदाउट डैमेज होगा वो पॉसिबल हो सकता है। सिक्स्थ बेसिक एडवांटेज क्या है इसका, कि लार्ज फोर्स और टॉर्क जो होता है वो कैन बी डेवलप हो सकता है बाय द कंपेरेटिवली स्मॉल साइज हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। और सेवन पॉइंट हो जाएगा हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग लाइफ ड्यू टू सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक लिक्विड। तो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक सिस्टम में जो होता है वो हम लोग लुब्रिकेशन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर इससे क्या डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूड द प्रॉपर सील्स एंड कनेक्शंस आर नीडेड। अगर कोई भी कनेक्शन या सील नहीं होगा तो जो लिक्विड होगा वो हमारा फ्लो कर फैलने लगेगा और प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा। सेकेंड, अनलेस फायर रेजिस्टेंस फ्लूड्स आर यूज्ड, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड एग्जिस्ट। थर्ड, फॉर कीपिंग द फ्लूड क्लीन एंड प्योर केयरफुल मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। एंड द फोर्थ वन, एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन लीनियर
और अदर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व द डिज़ाइन ऑफ सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें। एंड द फिफ्थ इज कंटेमेंट ऑयल जो होता है मे कॉज फेलियर, अगर ऑयल सही नहीं होगा तो कंटेमेंट ऑयल मे बी कॉज फेलियर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हमारा जो फ्लूड है यानी जो भी हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे डेंसिटी का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कि हम लोग आप यूज़ करते हैं व्हीकल में। तो बेसिक यूजेस क्या हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के, हाइड्रोलिक सिस्टम का जो बेसिक यूजेस है बिकॉज ऑफ देयर हाई पावर टू वेट रेशियो, फर्स्ट है आपका मशीन टूल में यूज़ करते हैं, दूसरा हमारा स्पीड गवर्निंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ योर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मशीन टूल में, स्पीड गवर्निंग सिस्टम में, पोजीशन पावर सिस्टम में।